हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्ट बाय बाय। क्या आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा एंड्रॉइड 4.4 किटकैट में कभी भी एक भी रिकॉर्डिंग ऐप जो है चल नहीं सकती, और आपके मोबाइल की स्क्रीन जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपको अगर मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो एक भी एप्लीकेशन जो है अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर पर। अगर आप मोबाइल रूट करते हो तभी आप जाकर रिकॉर्ड कर सकते हो स्क्रीन, लेकिन यार रूट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको ऐसा एक तरीका बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं आगे इस तरीके के बारे में बात करने वाला हूँ। ये दोस्तों, ये तरीका तभी यूज हो सकता है अगर आपके पास एक आधा पुराना पीसी या फिर लैपटॉप पड़ा हो, उसमें जो है रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो चलती हो। ऑब्वियसली गाइज, लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है चल जाती है। तो यार इसके लिए सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है VYSR। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे होंगे VYSR, इसको इंस्टॉल करना डाउनलोड करना वेरी इजी। इस पर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक से इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद गाइस कुछ इस तरह का इसका लोगो आता है, और इसको ओपन कर लीजिएगा। चलो गाइस ये देखिए गाइस, ये ओपन हो चुका है। तो यार ओपन होते ही क्या करना है आपको, आपकी यूएसबी केबल से लैपटॉप को कनेक्ट कर लेना है और थोड़ी देर वेट कर लेना है। फिर यहाँ पे वो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा कि आपके डिवाइस का नाम क्या है। तो यहाँ पे नाम जो है दिखा रहा है, और ये सीरियल उस एप्लीकेशन का खुश तो भी है। तो यहाँ पर आपको व्यू पे टैप कर देना है, और जैसे कि मैंने टैप कर दिया, ये मेरा फ़ोन यहाँ से ऑपरेट होना चालू हो चुका है। तो यार आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसका बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आपकी स्क्रीन जो है ब्रोकन हो चुकी है, या फिर आपके मोबाइल की स्क्रीन टच पैड वर्क नहीं कर रहा है, या फिर और भी कुछ कारणों से अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल जो है लैपटॉप में मैं उसको ऑपरेट कर पाऊँ, तो ये तरीका बहुत अच्छा है। तो यार जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं इसको ऑपरेट कर पा रहा हूँ। और फिर आप इससे क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो, तो सिंपली आपको जैसे कि मैंने ये सॉफ्टवेयर ले लिया है अपने लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए, आप कौन सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ओपोवर्स सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, चाहे तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इसका सॉफ्टवेयर इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो गाइज अभी रिकॉर्डिंग जो है चल रही है, और मैं रिकॉर्डिंग वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके लिए अब मैं ये रिकॉर्डिंग चला नहीं सकता हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही है गाइज। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा मोबाइल जो है रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको ये वीडियो में देख ही रहा होगा। तो आप इस तरीके से कोई भी वीडियो जो है रिकॉर्ड कर सकते हो, और आपके पबजी मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे भी पोस्ट कर सकते हो, या फिर आपकी यूट्यूब के लिए कुछ आप बताना चाहते हो अपने स्मार्टफोन से, तो ये एक बेस्ट तरीका है गाइज। और आपका जो है फ्रेम रेट भी ड्रॉप नहीं होंगे आपके मोबाइल से। दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिकॉर्ड योर स्क्रीन एंड्रॉयड स्क्रीन। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को भी जरूर दबाने देना।